नमस्कार बंधुरा एसकेर अनलाइन यूट्यूब चैनल तुम्हारे प्रत्येक के स्वागत। तुम्हारा जरा एसएससी एमटीएस और हाविलदार पोस्टे आवेदन करो तो वीडियो सम्पूर्ण देखो। तो आशा करी तुम्हारा प्रत्येके जो 22 तारीख एक नोटिस पब्लिश कर अर्थात 22 तारीख के आवेदन प्रक्रिया शुरू हो एक प्रचुर संख्यक शून्य पदे नियोग हाविलदार और एमटीएस पदे। तो तुम्हारा अनेक कमेंट करो दादा कि अप्लाई करो सेटार वीडियो चाचो जार कारण स्पेशली वीडियो कर स्टेप बाय स्टेप तुम्हारे देखिए देव वीडियो शेष पर्यंत देखो। तो मुहूर्ते तुम्हारा देखते ssc.nic.in वेबसाइटे हमें रही है तुम्हारे सहजे तुम्हारे मोबाइल ब्राउजार के तुम्हारा सार्च कर लेबसाइटर चले आसते पर। तो मुहूर्ते तुम्हारा इंटरफेसा देखते इंटरफेस तुम्हारे वेबसाइट खोलार पर तुम्हारा देखते पावे यूजार नेम और पासवर्ड एखे तुम्हारे एंटार करते बोलो। तो तुम्हारे जरा अलरेडी अकाउंट आज तुम्हारा सहजे एखान लग इन करते अथवा जर अकाउंट नहीं तो अवश्य तुम्हारा एखान अकाउंट तुम्हारे क्रिएट करते एकदम नीचे देखते पावे लगइनर नीचे न्यू यूजर रेजिस्टर नाउ एवं फॉरगेट पासवर्ड। तुम्हारे जरा पासवर्ड भूले गेस एखान फॉरगेट करते पर इमेल एड्रेस दिए अथवा न्यू यूजर जदि तुम्हारा नतून हो तो सिंपली न्यू यूजारे तुम्हारा क्लिक करो। न्यू यूजारे क्लिक कर ले नतून एक पेज ओपन हो जो पेजट तुम्हारे केयरफुली स्टेप बाय स्टेप तुम्हारे जिसमें डिटेल्स रही है आधार कार्ड डिटेल्स तुम्हारे कत साले तुम्हारा माध्यमिक पास करो पार्सेंटेज कत रही है तुम्हारे एड्रेस क्यों रही है फादार्स नेम क्यों रही है मदार्स नेम क्यों रही है ए टू जेड तुम्हारे फिल आप करते अवश्य देखे नाओ। और एक कथा जो रही है तुम्हारे तीनटा स्टेप तुम्हारे कमप्लीट करते हैं जे तीनटा स्टेप कमप्लीट करारे क्योंकि तुम्हारे मेन जो काजटा हो फर्म फिल आप से ही फर्म फिल आपटा तुम्हारे फिल आप करते तुम्हारा देखते ही पाच तीनटा स्टेप ये उल्लेख करा जाए बेसिक डिटेल्स और दुटो स्टेप रही है जे दुटो स्टेप क्योंकि तुम्हारे कमप्लीट करारे क्योंकि मेन जो फर्म रही है सेनलाइन अप्लाई तुम्हारा करते पर। तो अवश्य ज ये तीनटा स्टेप के अवश्य तुम्हारे केयरफुली भावे करते हैं तीनटे स्टेपे जिसमें डिटेल्सगुलो देवे से सजेस्ट करो तुम्हारे मेन जे तुम्हारा अप्लाई करो से सजेस्ट न्यू यूजर पेजट ओपन करारे तुम्हारा देखो डू यू हैव ए आधार कार्ड और जदि तुम्हारे आधार कार्ड थे अवश्य येस करो जदि ना थे नो कर येस जदि करो तेल नीचे तुम्हारे आधार कार्डटार नम्बर दीते हैं और वेरिफाई आधार कार्डर नम्बर एखे तुम्हारे प्रोवाइड करते अर्थात एक ही नम्बर दो बार तुम्हारे एंटार करते और जदि तुम्हारे आधार कार्ड ना थे तेल एखे क्योंकि एक आईडी प्रूफ दीते हैं कि आईडी प्रूफ से तुम्हारे एखान सिलेक्ट करते हैं जे आईडी प्रूफ दे दुबार अर्थात वेरिफाई करार्जन दुबार नम्बर क्योंकि तुम्हारे एखे एंटार करते सठीक भावे तपर देखते देवर पर तुम्हारा को चेंज करते पर तो करते पर तपर तुम्हारे देखते रही है फादार्स नेम अर्थात पितार नाम बाबार नाम तपर वेरिफाई फादार्स नेम और एक बार बाबार नाम क्योंकि एखे एंटार करते हैं मदार्स नेम अर्थात मायर नाम तपर वेरिफाई मदार्स नेम ये दीते हैं सठीक भावे डेट अफ बार्थ जो डेट अफ बार्थ तुम्हार जन्म से डेट अफ बार्थ दीते हैं वेरिफाई डेट अफ बार्थ तुम्हारे दीते हैं एडुकेशन क्वालिफिकेशन क्षेत्र में तुम्हारे एखे जो बोर्ड के तुम्हारा माध्यमिक पास करो से ही बोर्ड एखान सिलेक्ट करते हैं समस्त बोर्ड रही है जो बोर्ड के तुम्हारा पास करो से सिलेक्ट कर। आशा करी तुम्हारा जरा पश्चिमबंग वीडियो देखो अवश्य तुम्हारे वेस्ट बेंगल सेकेंडरि एडुकेशन बोर्ड रही है सेखान सिलेक्ट कर वेरिफाई बोर्ड एखान सिलेक्ट कर अर्थात एक ही बोर्ड दोबार एखे सिलेक्ट करते हैं रोल नंबर अर्थात तुम्हारे माध्यमिक पास एडमिट कार्डे जो रोल नंबर रही है से एंटार करते हैं वेरिफाई रोल नंबर तपर रही है पासिंग इयर कत साले तुम्हारा पास करो माध्यमिक तपर सेम पासिंग इयर एखान सिलेक्ट कर जेंडर तुम्हारे एखान सिलेक्ट कर मेल फिमेल और वेरिफाई जेंडर बोझा गया। तपर देखते लेवल अफ एडुकेशन क्वालिफिकेशन तुम्हारे एडुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल एखे देवे तपर मोबाइल नम्बर दीते हैं जो मोबाइल तुम्हारा यूज करो जो मोबाइल नम्बर एक्टिव रही है से ही मोबाइल नम्बर देवे और इमेल एड्रेस देवे वेरिफाई इमेल एड्रेस दिए तपर तुम्हारे स्टेट वेस्ट बेंगल जदि तुम्हारा त्रिपुरा आसाम थको से क्षेत्र में तुम्हारा एखान सिलेक्ट कर सेव बटन रही है सेव बटने क्लिक कर सेव बटन क्लिक करारे नेक्स्ट बटन पा नेक्स्ट करार दो पेज आसें से ही दो पेज तुम्हारे एक ही फिल आप करते हैं फिल आप करार मेन पेजट आसें से तुम्हारे देखिए देव तपर जो तुम्हारे नम्बर देवे से ही नम्बर क्योंकि एक ओटीपी आसें से ही ओटीपी ते तुम्हारे जो आईडी नम्बर चले आस पासवर्ड चले आसें तपर तुम्हारा पासवर्ड चेंज करते पर से ही पासवर्ड दिए तुम्हारा लग इन करते पर एखे एक कैपचार आसें अवश्य से ही कैपचार्ट क्योंकि सठीक भावे एंटर करारे लग इन कर तब क्योंकि लगिंग लग इन करवारे अप्लाई क्यों करो से देखे नाओ जदि को समस्या है अवश्य इन्स्टाग्राम आईडी रही है सेखने मैसेज कर तुम्हारा जानाते पर ठीक है और अवश्य कमेंट कर। तपर देखते इंटरफेस पा जो तुम्हारे तीनटा स्टेप कमप्लीट हो तो प्रथम जो मेन पेजट चले आस तुम्हारा देखते ही पाच मल्टीटास्किंग स्टाफ और हाविलदार सीबीआईसी और सीबीएन पदे तुम्हारा अप्लाई करो तो एकदम नीचे देखते पावे अप्लाई बटन रही है सिम्पलि तुम्हारा अप्लाई बटने क्लिक कर तुम्हारा अप्लाई करते पर एवं तुम्हारे जिसमें जी तुम्हारा अलरेडी अप्लाई करो एखान तुम्हारा एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते पेमेंट स्टेटसगुलो तुम्हारा क्योंकि एखान चेक करते पर। तो मुहूर्ते देखो अप्लाई क्यों करे करे तई तो सिंपली अप्लाई बटने क्लिक करार पर एक पेज ओपन हो से ही पेजट तुम्हारे फुलफिल भावे तुम्हारे
করতে হবে। তো এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছ পেজটা ওপেন হয়ে গেছে, যে সমস্ত ডিটেলসগুলো কিন্তু আমি রেজিস্ট্রেশন করার সময় দিয়েছি সেই সমস্ত ডিটেলসগুলো কিন্তু অলরেডি এখানে চলে আসবে। তো তাই বলছি রেজিস্ট্রেশন যখন করবে অবশ্যই তোমাদের কেয়ারফুলিভাবে কিন্তু রেজিস্ট্রেশন করবে, এখানে সমস্ত কিছু সাজেস্ট করবে, যেখানে নতুন কিছু রয়েছে সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে তোমাদের যে এক্সাম সেন্টারগুলো সিলেক্ট করে নিতে হবে, তিনটে সেন্টার তোমরা সিলেক্ট করে নেবে, নিয়ার বাই যেগুলো রয়েছে সেগুলো এখান থেকে পুরোপুরি সিলেক্ট করে নেবে। তো এখানে এক্সপিরিয়েন্স বা তোমরা অন্য কোনো কাজের সাথে যুক্ত যদি থাকো সিভিলিয়ানের জন্য, তো এখানে পুরোপুরি এগুলো নো করবে, ঠিক আছে। ইয়েস করলে কিন্তু এখানে তোমাদের প্রোভাইড করতে হবে। তো আশা করি তোমরা কোনো সিভিলিয়ানের সঙ্গে যুক্ত নও, তো সেক্ষেত্রে তোমরা এখানে নো করে দেবে, ঠিক আছে। নো করার পরে তারপরে কী কী চাচ্ছে আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো তোমাদের এখানে স্টেট চাচ্ছে, স্টেটগুলো তোমাদের দিতে হবে, কোন স্টেট থেকে বিলং করো। এখানে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে এটা যে তোমরা কোড, যে কোডটা ইউজ করবে এখানে দেখতে পাচ্ছ নাম্বার ওয়াইজ, এখানে পুরো স্টেট অর্থাৎ অল ওভার ইন্ডিয়ার কিন্তু এখানে উল্লেখ করা আছে। তো তোমরা খুঁজে বের করে কোন পদে তোমরা আবেদন করবে কোন স্টেট। তো এখানে সিম্পলি একটা কোড পাচ্ছ, এখানে প্রিফারেড অফ স্টেট। তো এখানে নাম্বার এন্টার করার পর যে পোস্টে তোমরা অ্যাপ্লাই করবে, যে জায়গায় অ্যাপ্লাই করবে সেগুলো এন্টার করে বাকি ঘরগুলো রয়েছে এখানে ক্রস চিহ্ন দিয়ে দেবে, ঠিক আছে। তারপরে দেখতে পাচ্ছ স্ট্যাটাস, একদম নিচে দেখবে স্ট্যাটাস, তোমরা পাস করেছো তো অবশ্যই পাস্ট সিলেক্ট করে নেবে, এবং পাসিং ইয়ার কত সালে পাস করেছো সেটাও সিলেক্ট করবে, রোল নাম্বার এবং পার্সেন্টেজ যেগুলো প্রোভাইড করেছো আগে রোল নাম্বার সেটাই রোল নাম্বার কিন্তু এখানে প্রোভাইড করবে মাধ্যমিকের, ঠিক আছে। তারপর করার পর এখানে ডিটেলসগুলো শো করবে, অবশ্যই দেখে নেবে, এডিটের অপশনও রয়েছে। তারপরে এখানে তোমাদের ফটো, একটা পাসপোর্ট সাইজের ফটো এখানে অ্যাটাচ করতে হবে, অবশ্যই 50 KB কম হতে হবে। আর যে ফটোটা তোমরা অ্যাটাচ করবে সেটা কিন্তু 23 ডিসেম্বরের পরে হতে হবে, অবশ্যই এখানে ইয়েস সিলেক্ট করবে। তারপরে তোমাদের সিগনেচারটা সাইডে তোমরা সিলেক্ট করে নেবে, তারপরে দেখতে পাচ্ছ একটা ক্যাপচার আসবে, ক্যাপচারটা ফুলফিলভাবে এখানে এন্টার করবে, এবং একটা দেখতে পাচ্ছ এগ্রিতে ক্লিক করার পরে একদম নিচে দেখতে পারবে প্রিভিউ যদি ক্লিক করার পরে যদি কোনো ভুল থাকে সেটা সাজেস্ট করবে, ঠিক করার পর ডান করার পরে কিন্তু তোমরা অ্যাপ্লিকেশনটা সাকসেসফুলিভাবে সাবমিটেড হয়ে যাবে, ঠিক আছে। অ্যাপ্লাই করার পরে পিন আউট করে নেবে, এ ধরনের অ্যাডমিট কার্ড তোমরা পাবে। যদি কোনো সমস্যা হয় ইনস্টাগ্রাম আইডি দেওয়া আছে, তোমরা চাইলে কন্ট্যাক্ট করতে পারো, SMS করতে পারো, অবশ্যই তোমাদের হেল্প করবো। তো ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে নোটিফিকেশন বেলটা অন করে রাখবে। ধন্যবাদ।